और 14 से लेकर आप तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ, लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी, क्या कहेंगे हम, इतनी झलस सी क्यों है भाई? अपने बात को आप रखी है, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है, तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है साहब, बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं मान्यवर, जरूर मान्यवर, हाँ। ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है, निश्चित किया गया कि आप 35-30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर, हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको, आपके पास है, सबका, सभी को पूछ के घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे चला सकते हैं, तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है, मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी समर्थन नहीं मिला, बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि दी हाउस इज मेड फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर, और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड है। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो, ये नजदीकी संबंध है। उन्होंने भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो, मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई, 8 अगस्त को, 8 अगस्त को आपने कहा था और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मेरे प्रेडिसेसर ऑफिस में थे यहां, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा? आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहां सताए, मौसम ठीक है, आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेड। मैंने ये कहा था उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे, कहा मेरे लिए था कि नहीं, नहीं। आगे बहुत सताएगा। नहीं, नहीं, नहीं। सुनिए आप, उस वक्त नायडू साहब बैठे थे, मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है ऐसा मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है, बात करने नहीं देते और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए, फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है,
वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ जो भी हम सलाह देते हैं। सर दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ, वो अपनी बात बहुत से जगह कही और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक 3600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पर जो सदन में मैं देखता हूँ, सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि कभी भी या तो नफरत की बात ज़्यादा करते हैं, बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल MPs मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अरे वही है आपको देश में हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए ये क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना,